नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम बहुत ही सुंदर सुंदर बकरियों के पास आए हैं। यहाँ प्योर देसी बकरी पालन किया जाता है, बड़ी फ्रेम का जो देसी बकरी होता है उसको पालन किया जाता है। कैसे इनको पालते हैं, क्या खिलाते हैं और कैसे इनका देख रेख करते हैं, सभी चीज़ का जानकारी लेंगे और बकरी पालक से मिलेंगे। दोस्तों यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देख पा रहे हैं हमारे सामने जो बकरी है, बड़ी फ्रेम की बकरी है, प्योर देसी बकरी। और बकरी मालिक का कहना है कि अभी ये बकरी भर्ती है, गाभिन है। तो चलिए देर ना करते हुए बकरी पालक से मिलते हैं और कितना बकरी है इनके पास, कैसे रख रखाव करते हैं, सभी चीज़ का जानकारी लेते हैं। और बकरी है और बकरियों को आप लोगों को दिखाएँगे। तो चाचा जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए, कौन गाँव से हैं, सभी चीज़ बताइएगा। मेरा नाम है राम विलास जी, राम विलास, ग्राम जरहाडी जी के रहने वाला हूँ मैं जी। ग्राम जरहाडी के रहने वाले हैं और जिला वाला कौन सा है? जिला बलरामपुर। और राज्य? राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, चलिए बहुत अच्छा बताया आपने। ये बताइए कि आप बकरी पालन कब से कर रहे हैं? बकरी पालन से जब से हम लोग का ये है हर किसानी का, हाँ हाँ, उसी के साथ साथ चल रहे हैं। लगभग कितना साल हुआ होगा? अरे ये तो कहने का ये नहीं है। अभी देखिए मेरा उम्र हो गया है 70-80। हाँ हाँ हाँ। और कब से पाल रहे हैं उसको हम जान रहे हैं। हाँ तो कितना, वही तो हम पूछ रहे हैं, कितना साल हो गया होगा लगभग? अरे हो गया होगा मैंने 100 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, हर किसानी आदमी है। नहीं तो, तो 100 साल से तो आपके पिताजी लोग भी करते थे बकरी पालन? हाँ पिताजी भी कर रहे थे। अच्छा। हमारा बाबा जी भी कर रहे थे। यानी कि आप लोग का खानदानी से चला आ रहा है? चला आ रहा है बकरी पालन। तो अभी आप पालन? हाँ हाँ हाँ। भैंस पालन? हाँ। बकरी पालन सब, ये सब चल रहा है मेरे। तो अभी आपके पास कितना बकरी है? बकरी अभी मेरे पास 5 ठे है। 5 ठे है? हाँ। तो उसमें से बकरा कैठो है और बकरी कैठो? बकरी 3 ठे है, बकरा 2 है। बकरा 2 है? हाँ। तो ये जो बकरी दिख रहा है, तो ये वाला बकरी कै बच्चा देती है? ये बकरी 2 बच्चा देती है। 2 बच्चा देती है? 2 बच्चा वो भी देती है। अच्छा 2 बच्चा देती है। कितना दिन बाद बच्चा देता है बकरी आपका? अब मैंने ये देखिए गाभिन है। हाँ कितना दिन का है? उन्हीं लोग का बच्चा है वो। अच्छा कितना दिन का भर्ती है ये वाला? ये वाला अभी हो रहा है यही 1-1.5 महीना। तो 1-1.5 महीना हुआ है कि बच्चा कितना दिन बाद देगा लगभग? बच्चा तो भाई अब देगा यही समझिए अभी आषाढ़ सावन भादो, कुवार तक ले मतलब ये बच्चा दे दे, कुवार तक देगा। और जो बकरी उसको दिखाएगा ये इधर देखिए दोस्तों, इनका जो बकरी है देसी बकरी है, देसी में जो बड़े फ्रेम का होता है, ये जो है ये कितने साल का है बच्चा अभी? ये 1 बच्चा दिया है। अच्छा ये बच्चा दे दिया है एक बार? हाँ एक बार दे दिया है। और अभी फिर खाली अभी है कि? फिर गाभिन है। अच्छा फिर से गाभिन है? हाँ। तो फिर बच्चा देगा तो, ये वही अभी कैठो बच्चा देगा लगभग? अभी देगा 1-8 देगा। अच्छा शुरुआती में वो देगा 2? अच्छा देगा 2। इसको खड़ा करिए थोड़ा सा, ये वाला बकरी जो है ये वाला देगा 2। ये भी आप देख पा रहे हैं देसी में जो बड़ी यानी कि बड़ी फ्रेम का होता है, ये भी भर्ती है अभी? हाँ अभी ये भी बच्चा लिया है। ये दोनों एक ही साथ लगभग बच्चा देगा कि आगे पीछे देगा? तीनों लगभग में देगा, तीनों लगभग एक साथ देगा। हाँ ये हो गया आपका बकरी, थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं। हाँ। ये देखिए दोस्तों इनका जो बकरी है बहुत ही सेहतमंद है और बहुत ही हष्ट पुष्ट है। ये बताइए कि जैसे बकरी आप 3 ही ठो रखे हैं, आप काफ़ी समय से बकरी पालन कर रहे बोल रहे हैं, इतना साल बीत गया है, तो बकरी को ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं? कम बकरी दिख रहा है अभी? थोड़ा सा जगह कम है। हाँ। इस कारण से। अच्छा जगह कम है? हाँ चरागन के लिए इधर कोई निकल ढुकाव नहीं है। हाँ। मैं साइकिल से डेहरा लाला के इन लोग के पालता हूँ। यानी डेहरा का मतलब हो गया डाली वगैरह पत्ती वगैरह जंगल? हाँ, से लाला जंगल के से जाके साइकिल से ला के। हाँ। खिलाता पिलाता खिलाते पिलाते हैं। और जैसे आपका जो और बकरी है बोल रहे हैं ये हो गया 3, और 2 ठो कहाँ पर है उधर चर रहे हैं, वो वाला है क्या? वो वाला है और एक सफेद बकरा है। अच्छा सफ़ेद बकरा है और वो बांधा हुआ है, वो भी है? हाँ। चलिए उसको थोड़ा देखते हैं, वो भी बहुत ही देखिए ज़बरदस्त बकरा है इनके पास। ये देखिए प्योर जो देसी बकरी है। हाँ।
ये है, और इनका जो बकरा है, बकरा के पास चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका जो है बकरा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको कौन सा रंग बोलते हैं आप लोग? खैरा रंग बोलते हैं, दूध खैरा बोलते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है, और इसका सिंग भी है। तो आइए इधर थोड़ा सा करीब से इसको, जैसे इसको यदि आप अभी मान के चलिए बेचने जाएंगे तो इसका क्या दाम रखा होगा आपने? इसको तो वही कह रहे हैं ना, हाँ, 7-7.5 7-7.5 में इसको बेचेंगे। तो ये हो गया। और जो है आपका और बकरी कौन कौन सा है? इधर एक काले रंग का दिख रहा है, किसका है? ये दूसरे का। अच्छा, दूसरे का। आपका वाला किधर है? और इसको है, घर गया है, पता नहीं। सब बकरी क्या है कि इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, उस तरफ है। तो ये बताइए, ये जो बकरा है, ये बकरा आपका तैयार होने में कितना समय लग गया? कितना महीना का है? हाँ, अभी 6 महीना पूरा होगा। देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है। नहीं देता है, तो 6 महीना पूरा हुआ है। तो आपका जो बकरी है बढ़िया दूध करता है, बच्चा को पाल लेता है बढ़िया? आधा लीटर 1 लीटर दूध देता है। अच्छा, आधा लीटर 1 लीटर दूध देता है। अगर उसको दुहेंगे ना इसको, हाँ हाँ हाँ, तो 1 लीटर देगा, बच्चा गिराएगा। चलिए उसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। बताइए कि जैसे आपका बकरी हमेशा 2 बच्चा देता है कि 3 बच्चा भी देता है? 3 बच्चा देता है। 2 बच्चा देते हैं। 2 बच्चा, और 2 बच्चा तैयार होता है, यानी कि कितना उम्र होता है तब उसको बेचते हैं? कितना बड़ा होता है तब बेचते हैं? भाई अब जिसका जरूरत लगता है, अभी इसका जरूरत लगा था एक आदमी को, तो बोला, तो मैं कहा कि भाई 7,000-7,500 दे दो, इसको ले जाओ। तो ये पटवा, हाँ, तो क्या बोलता है? 5,500 दे करके वो सफ़ेद वाला को ले गया। हाँ, और इसको नहीं लिया? हाँ, इसको नहीं ले गया। अच्छा, तो ये सफ़ेद वाला बच गया है और ये बचा है। हाँ, तो ये जो आपका जो बोल रहा है, जो बकरी है, यानी कि 1 लीटर आधा लीटर यानी कि दूध देती है, ये तो ये मैंने गिराएगा बच्चा ना, तो बच्चा को पिलाने के बाद उतना दूहते हैं कि उतना आधा लीटर दूध देता है? यानी कि दूह के उसको क्या घर में पीते हैं, कैसे करते हैं? बच्चा लोग को पिलाते हैं। अच्छा, बच्चे लोग को पिलाते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे आप 3 बकरी से साल में लगभग कितना पैसा कमा लेते होंगे? अब बताइए कि 2 बकरा बेच दिए, हाँ, तो वही 5,500 में 2 बकरा बेच दिए 5,500 में, तो मतलब हो गया 11,000। अब 2 ठे बचा है, 1 ठो वो सफ़ेद, हाँ, और एक ये, और मियारी तो बेचेंगे नहीं। अच्छा, 2 ठो बेच दिए हैं 5,500 में, हाँ। और अभी ये 2 ठो जो बचा है, 2 ठो का क्या दाम रखे हैं? इसको 7.5 रखे हैं और इसको 5.5 रखे हैं। तो 7.5 और 5.5, हाँ, तो कुल मिला के देखा जाए कि 7, 5, 12 12,500, हाँ, और पहले बेचे हैं 11,000, हाँ, तो हो गया आपका 23,000। तो 1 साल में 3 बकरी से आपने लगभग 23,000 का बेचा है। तो और पठिया उठिया बेचा है कि नहीं? हाँ, वो का बताए ना कि 3,000 में उसको भी बेचा। अच्छा, 1 ठो पठिया भी बेचे 3,000 में, तो 23 और 3 यानी कि 26,000 कुल मिला के 1 साल में आपका दिख रहा है। तो जैसे बकरियों को बीमारी उमारी हो जाता है, उस समय का इसका इलाज करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं? यही पशुपालन डॉक्टर जो रहता है ना, हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं। तो आके तो अब आपका जो और जो बकरी है उसको दिखाते हैं, बकरा वो जो है 2 ठो उधर है ना, उसको बुलाने से आ जाएगा बकरी? हाँ, वो कहा देख रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत बकरा है ये, सफ़ेद रंग का, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो इसको आपने इसका क्या दाम रखा हुआ है सफ़ेद वाले का? 5,500। और ये जो लाल रंग का बकरी दिख रहा है, इसको कितना बेचे हैं? उसको 3,000 में बेच दिए। अच्छा, 3,000 में बेच दिए हैं। ये देखिए 3,000 का ये जो बकरी है, और इधर जो बकरा है ये वाला 5,500 का है, 5,500 और 3,000। तो ये जो बकरा है, इस बकरा को उम्र कितना होगा अभी? अभी है 5 महीना 6 महीना होगा। 5 महीना 6 महीना। और ये जो बकरी दिख रहा है, इसका क्या कितना उम्र होगा? इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक बार भी बच्चा दिया है वो पठिया के? अभी नया दिया बच्चा। अच्छा, बच्चा फेंक दिया? फेंक दिया बच्चा। तो बच्चा फेंक दिया तब तो उसका उम्र लगभग लग रहा है कि साल भर हो गया है। बच्चा बिक गया ये। अच्छा, मेहनत के कमी से? हाँ, मेहनत के कमी से ना। पास रहता तो इसको मेहनत करते तो 2 ठे बच्चा था। अच्छा, तो ये हो गया जैसे आपका 5 बकरी है कुल मिला के ना। 5 बकरी है। तो ये बताइए, जैसे बकरी को क्या खिलाते पिलाते हैं घर में अलग से?
अलग से कुछ नहीं खिलाते पिलाते हैं, थोड़ा बहुत ये मक्का उका छिट देते हैं वो खाते हैं, और नहीं तो हम पलरी लाते हैं। अच्छा, असना का पत्ती। अच्छा, असना का पत्ती। हाँ, अभी तक ले ला के रखा हूँ। अच्छा, कौन सा पत्ती है? असना का पत्ती है। हाँ, असना रुख का पत्ती है। अच्छा, चलिए उसको भी देखेंगे। और बकरी का जो घर है उसको कैसे कहाँ रखते हैं उसको थोड़ा दिखाना, चलिए कहाँ कैसे जगह रखते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं असना का पत्ती। तो ये बहुत ही चाव से बकरियाँ खाती हैं। ये कब लाए? थोड़ा सूख सूख गया, कल लाए हैं इसको? कल लाए थे। अच्छा, कल लाए थे। तो ऊपर में कैसे चढ़ते हैं, रुख के ऊपर, पेड़ के ऊपर में कैसे चढ़ते हैं? अरे वो डाली छटना पड़ता है। अच्छा, नीचे नीचे से डाली जो निकलता है उसको छट छट कर लाते हैं। नहीं तो पेड़ के ऊपर पौधा थोड़े काटना पड़ता है। नहीं तो ऊपर में चढ़ते हैं, पेड़ के ऊपर में चढ़ के काटते हैं कि नीचे? हाँ भाई, अब नहीं बनता है तो ऊपर में चढ़ के भी छाट के गिरा के। तो इतना उम्र हो गया, आपको डर नहीं लगता है गिर जाने का? ऐसा समझ के करते हैं। अच्छा, सोच समझ के करते हैं। तो बकरी को कहाँ रखते हैं, घर है बकरी का? जैसे बकरी का घर है, कहाँ पर रहते हैं रात को उसको थोड़ा दिखाएंगे। देखिए इनका जो घर है, प्योर मिट्टी का घर है दोस्तों, छोटा सा घर है, और इसी घर में रहते हैं। हमारे जो गांव देहात का घर होता है, हमको दिखाने ले जा रहे जो बकरी का घर, ये जो है यहीं पर जो है बकरियों को बांध के रखा जाता है। लोग जैसे रहते हैं साफ सफाई जगह में, बकरी वैसे साफ सुथरा जगह पे रहते हैं। तो यहाँ बकरियों का जो घर है, रोज दिन साफ सफाई करते हैं कि कैसे करते हैं इसको? रोज सफाई इसका होता है। देखिए कितना साफ सुथरा, सवेरे अभी लगता है साफ सुथरा हो गया होगा? नहीं, साफ सुथरा करके तो खोल दिए। तो खूटा खूटा दिख रहा है, इसी में बकरियों को बांध देते हैं। बांध देते हैं। तो जैसे बरसात समय कैसे करते हैं, बरसात समय भी ऐसे ही रहता है कि कैसे? ऐसे ही रहता है भाई, पानी गिर भी नहीं करता है तो इसमें का गीला होगा? गीला नहीं होता है ना। बकरी को जैसे तबीयत वबीयत खराब होता है, बकरियों को टीका वैक्सीन वैक्सीन लगा है कभी सरकारी डॉक्टर तरफ से? नहीं लगा है। नहीं, लगवाई भी नहीं करता है, लगवाते हैं तो यही डॉक्टर को बुलवाते हैं। हाँ हाँ, तो इधर बाहर आइए। ये जो है इनका घर, ये जो है ये मिट्टी का पत्थर का, इसको क्या बोलते हैं? जाता है ये दाल धरने के लिए। अच्छा, दाल धरने रहर चाहे बूट चाहे कोई भी रहेगा, इसको ये घुमा देंगे तो इसको घरे बनाए हैं कि खरीद के लाए? नहीं, खरीद के लाए हैं। अच्छा, खरीद के लाए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये दाल धरने के लिए है। हाँ। ये बताइए कि आपका खेत खार है कि नहीं, कि केवल जैसे बकरी पालन और क्या क्या करते? खेत खार कितना है? पूरा खेत कियारी है। पूरा है, कितना है जगह जमीन? जगह जमीन मेरा बहुत है, बाकी झमेला में अभी फंसे हैं। जैसे कितना जगह जमीन है? 5-5 एकड़ तो मेरा नाम पर हुआ, छोटा हाँ। भाई के मेरा नाम पर। हाँ। इधर जो दिख रहा है सब बौली वोली है, तालाब वालाब है? हाँ। तो ये सब आप ही का है? हाँ, मेरा है। अच्छा, तो 12 महीना खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते? 12 महीना। क्या क्या सब्जी उब्जी करते हैं कि क्या मक्का लगाते हैं? सब करते हैं, जो जमीन में पैदा होता है वो सब करते हैं। अच्छा भाई, मेहनत होगा तब ना होगा? हाँ, मेहनत होगा तब होगा। पानी तो देखिए, मकई कर दिए, मकई हो गया। हाँ। आओ इसमें कुछ कर देते तो आओ हो जाता। हाँ हाँ हाँ, ऐसा व्यवस्था के लिए पानी का व्यवस्था है आपके पास? हाँ, बोर है, तालाब है। हाँ। और का चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा आपने व्यवस्था बनाया है। तो आपका जो बकरी है, जैसे हम पूछ रहे थे कि साल में आप लगभग 24-25 हज़ार का बेचते हैं, तो बकरी आप ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास जैसे बरसात वरसात में दिक्कत होता है निकालने ढुकालने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए दिक्कत होता है? तो बकरी पालन लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे नहीं करना चाहिए? बकरी पालन से जैसे फायदा होता है कि नुकसान होता है उसको? अरे यार, बकरी अगर 10 मुड़ मैं सोच रहा हूँ, हाँ, 10 मुड़ अगर रख लूँ, 10 बकरी, हाँ हाँ 10 बकरी, हाँ, तो मेरा आराम से मैंने 1,00,000 रुपया निकलेगा एक साल में। 10 गो बकरी अगर ऐसा रख लूँ ना, हाँ हाँ, तो खुशी से 1,00,000, 1,00,000 रुपये साल भर में? हाँ, आएगा आएगा। तो जैसे बकरियों को बोल रहे हैं कि जैसे 2-3 बकरी आप हमेशा रखते हैं, तो 10 बकरी रखने में आपका जगह की दिक्कत, इसलिए आप नहीं रख पाते हैं? हाँ, यही बात। तो हमेशा जैसे बकरियों को ऐसे क्या खिलाना चाहिए, और जैसे पेट झरी वगैरह हो जाता है तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए हम लोग के पास सेथिया दवाई रहता है। हाँ, का दवाई है सेथिया? मतलब फ्री का दवा? फ्री की दवाई है सराई। हाँ, सराई का सिखुआ पेड़ में जो फड़ता है। हाँ हाँ हाँ, उसको खिला दीजिए। हाँ हाँ, वो कितना दिन में काम करता है वो? वो
सांझ खिला दीजिए दो टाइम, हाँ, उसका छरनी पोकनी सब बंद हो जाएगा। अच्छा, कैसे उसको खिलाना पड़ता है, उसको पीस के? ना तो? पीस के नहीं, छेरी आएगा, हाँ, छीट दीजिए। अच्छा, अपने चाबेगा रपट रपट उठा उठा। अच्छा, अपने से चुन लेगा। हाँ, उसमें मक्का डाल दीजिए, हाँ, हाँ, दोनों को छीट दीजिए। अभी मैं खोल दूंगा, हाँ, और इसे मका उसको डाल दूंगा तो सब रपट रपट बीच के खा देंगे। अच्छा, जितना मकई थरसक हुआ है, हाँ, इधर उधर छिटा है उड़ा, खोल दिए सबको बीन दिए। अच्छा, ऐसा है तो भाई अपना माल अपना को करना सिखाना, हाँ हाँ हाँ, अपना बचा अपना को सिखाना पढ़ाना, ई काम ऐसा है। अच्छा, माल मौसरी चाहे कोई भी रहे, सबको ऐसे ही रास्ता लेना पड़ता है, हाँ, तब सही रहता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बकरियों के पास, वहाँ फिर बकरी के पास चलते आइए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं बकरियों के पास। ये है इनका जो बकरा था 5,500 का, बहुत ही सुंदर बकरा है। तो ये बताइए, ये जो बकरी है इसको यदि आप बेचना चाहेंगे अभी के समय में तो इसका क्या दाम मिलेगा इसका? हाँ, अरे इसका दाम मैंने 6-7 मिलेगा, 6-7 मिलेगा। और के गाभिन है, गाभिन है इसीलिए 6-7 इसका दाम है, और अच्छा दाम आपको मिलेगा। और इसी का बच्चा है वाला साथ में जो बकरा है ना, इसी के बच्चा, तो इसका 6-7 हो गया, और जो बकरा है इसका 5,500 बोल रहे हैं, ठीक ना? तो कितना सेहतमंद बकरी है इनका आप देख सकते हैं। और एक जो दिख रहा है उधर है वो भी है, तो इधर जो है तीनों, ये देखिए दोस्तों एक ही जगह बैठे हुए हैं, बहुत ही मस्त सवेरे सवेरे। तो इनको चराने ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं बकरियों? नहीं, बस बंधा रहता, बंधा रहता है। नहीं। अच्छा, तो चलिए चाचा जी, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।